अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे, तो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अब शहरी और ग्रामीण इलाके में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे। अग्निवीर योजना में हरियाणा सरकार उनको सरकारी नौकरी की गारंटी देगा और उनको सरकारी नौकरी में अग्निवीर योजना में जोड़ेगा। दिस इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द कमिटमेंट। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके चलें और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से IMT खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा, प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। यदि एक हो दो हो उनको 5 लाख रुपए की व्यवस्था उनके लिए अलग से की जाएगी, यह व्यवस्था की जाएगी। MSP में 24 फसलों की MSP जारी रहेगी, उसको जारी रखेंगे। उसी तरीके से हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का गांव का बेटा रोजगार लग सके सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हम शहरी और ग्रामीण इलाके में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे, 5 लाख आवास बनेंगे शहरी और ग्रामीण में, ताकि हमारे BPL और हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दायरे में आने वाले लोग हैं उसमें कोई भी व्यक्ति बिना पक्के छत के न रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। हम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था करेंगे। अब कोई भी हरियाणा का व्यक्ति डायलिसिस की व्यवस्था से बाहर नहीं रहेगा, उसको सरकारी व्यवस्था में डायलिसिस देंगे। और हम सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में भी फ्री डायग्नोसिस की सुविधा देंगे, फ्री उसका इलाज की डायग्नोसिस की व्यवस्था करेंगे, इसको भी हम पूरा करेंगे। उसी तरीके से हम ओलंपिक्स के लिए नर्सरीज क्रिएट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिसिप्लिन के लिए। और हम हर घर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय के BPL परिवारों के लिए 500 में LPG का सिलेंडर प्रदान करना जारी रखेंगे, ताकि BPL और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। कॉलेज जाने वाले हमारी अव्वल बालिका योजना के तहत महिला छात्राओं को हम स्कूटी का अरेंजमेंट करेंगे, उनको हम स्कूटी देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अग्निवीर योजना में हरियाणा सरकार
उनको सरकारी नौकरी की गारंटी देगा और उनको सरकारी नौकरी में अग्निवीर योजना में जोड़ेगा। उसी तरीके से केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण पूरा करेंगे और पलवल, झज्जर, बहादुरगढ़, खरखौदा से चंडीगढ़ और मथुरा तक वंदे भारत ट्रेन को शुरू करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दिल्ली से पलवल, दिल्ली से धारूहेड़ा, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से पानीपत, इसको भी केंद्र सरकार के सहायता से इसको हम शुरू करवाएंगे। इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सर्विस बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम के लिए, इसको भी हम इस सेवा को शुरू करवाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से पिछड़े हुए 36 बिरादरी, 36 जो हमारी बिरादरियां पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए हरेक के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाएंगे और उनको आर्थिक मदद देकर के उनका कल्याण करने का काम करेंगे, इसकी अलग से हम व्यवस्था करेंगे। हम डीए और पेंशन का साइंटिफिक फॉर्मूला के आधार पर सामाजिक मानसिक मंथली पेंशन की को वृद्धि करेंगे और इसके लिए भी हमारी हरियाणा सरकार कृत संकल्प रहेगी। और हम जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए उनको हम पूरी की पूरी स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप देंगे ताकि हमारा कोई बच्चा इससे वंचित ना रह जाए और उसकी पढ़ाई। ओबीसी, एससी और एसटी, इन सब के लिए हम ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में हम व्यवस्था करेंगे और उनको पूर्ण स्कॉलरशिप दी जाएगी। हरियाणा के प्रदेश सरकार लोन के दृष्टि से 25 लाख रुपए बैकवर्ड क्लास के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एडिशन मुद्रा स्कीम से, एडिशन एससी और एसटी को तो मिलता ही है लेकिन बैकवर्ड क्लास के लिए भी उसको हम जोड़ेंगे और उनको हम एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा स्कीम से अलग से 25 लाख रुपए का उनके मुहैया कराएंगे और उनको हम लोन देंगे और वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। हरियाणा को शिक्षा का ग्लोबल एजुकेशन हब बनाएंगे और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल स्किल्स को भी हम उसमें प्रयोग करेंगे और उसको हम लाएंगे। ये जो हमारे अरावली के जंगल हैं इसको हम 10,000 एकड़ की साउथ हरियाणा में हम इंटरनेशनल लेवल का सफारी बनाएंगे ताकि टूरिज्म को हम अट्रैक्ट कर सकें। इस तरीके के हमारे 20 संकल्प हमने आपके सामने रखे हैं। ये 20 संकल्पों के साथ, बाकी आपको मैनिफेस्टो की डिटेल्स मिल जाएगी जिसमें बाकी सारी बातें हैं, लेकिन नॉन स्टॉप हरियाणा, अब हमारे तरफ से तो गाड़ी चलती रहेगी, सिग्नल आप ना डाउन करें इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी, हमारी गाड़ी बिना स्टॉप के चलती रहेगी, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और आपसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं।